नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं, इनके अगर नज़दीक कहीं भी आप रहते हैं 50 से 100 किलोमीटर दूर, तो आप यहाँ पे जाकर के आधार अपना डेट ऑफ बर्थ सेल्फ डिक्लेरेशन लगा के अपडेट करा लीजिए। अपडेट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजिए आप, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतनी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेल और पोस्ट करने में प्रॉब्लम्स हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेल और पोस्ट इजीली तरीके से कर लेते हैं, लेकिन हम आज के वीडियो में आप लोगों की इसी प्रकार से मदद करने वाले हैं। जो ये आपको मेल और पोस्ट करने का प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जब आप आधार संशोधन करा लें अपना डेट ऑफ बर्थ लिमिट कॉस्ट वाला, तो उसी टाइम मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर दीजिए। अब व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास तो है, बहुत से ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और जिनके पास नहीं है उनको क्या करना है, मैंने इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और मुझे फॉलो करके नंबर लीजिए। नंबर लेने के बाद जब आप अपना आधार किसी भी सेंटर से अपडेट करा ले, मान लीजिए ये 12 आपको दिख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आप कहीं नज़दीक रहते हैं, तो जो आपका काम रतन स्क्वायर में होता है वो आप इन किसी भी सेंटर पे जाके करा सकते हैं, और जैसे हो जाए तो वहाँ से आपको जितने डॉक्यूमेंट्स मिले, कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आधार डेट ऑफ बर्थ लिमिट कॉस्ट में मेल करने में, ये मैंने बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। और अगर आपको कंफ्यूजिंग हो रही है डॉक्यूमेंट समझने में, तो फिर से बता रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट और SDM ऑर्डर और अपना फुल आधार कार्ड, ये 5 डॉक्यूमेंट्स जरूर रिक्वायर्ड हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल वही जो निवास होता है अगर है, तो वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं। और इनको भेजने से पहले आपको देखना क्या है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हैं तो आप किसी साइबर कैफे से स्कैन करके मुझे भिजवा दें। आप PDF ना बनाएं कोई बात नहीं चलेगा, मैं PDF बना लूँगा, लेकिन आप मुझे डॉक्यूमेंट्स क्लियरिटी में दीजिए। आपका फ़ोन अच्छा है, फ़ोन से आप क्लिक कर लीजिए, कोई साइडो ना आए, ना कुछ ब्लर हो, और मुझे एक एक करके व्हाट्सअप पे शेयर करिए। मैं उन डॉक्यूमेंट्स को किसी भी साइबर कैफे से निकलवाने के बाद मैं उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से रीजनल ऑफिस शेयर कर दूंगा, जैसा कि आपको रीजनल ऑफिस से बताया जा रहा है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ लिमिट को सॉल्व कराना है, तो मेल और पोस्ट एक साथ करनी होगी, वो भी बर्थ सर्टिफिकेट के साथ SDM ऑर्डर लगा के, यो UP का ये प्रोसेस है। और अगर आप UP में रहते हैं और आपको प्रॉब्लम्स डेट ऑफ बर्थ लिमिट कॉस्ट से है, तो आपके पास अगर SDM ऑर्डर वो वाला नहीं है जो बर्थ के साथ बनता है, तो आप अपडेट भी ना कराइएगा। ऐसे सब्सक्राइबर्स को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तभी अपडेट करा के मुझे भेजिएगा, नहीं तो आप जो उधर से करके आएंगे और जितना दौड़ेंगे वो सब आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल SDM ऑर्डर के साथ जो बर्थ बनता है वो रिक्वायर्ड है UP में। और अगर आपने पहले वैलिड प्रूफ से अपडेट करा रखा है, फर्स्ट टाइम डेट ऑफ बर्थ जैसे बर्थ मार्कशीट और पासपोर्ट, तो उनका एक कैंसिलेशन स्लिप भी साथ में लगा करके मुझे भेजिएगा, क्योंकि ये इतना जब मेरे पास आएगा तभी मैं आगे मेल और पोस्ट कर दूंगा। और अगर आप प्रॉपर तरीके से रियल डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजते हैं, तो आप 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। बहुत से लोग डीमोटिवेट करते थे मुझे जब मैं रीजनल ऑफिस या रतन स्क्वायर जाता था, कह रहे थे आप चाहे जैसे करो ये डेट ऑफ बर्थ सॉल्व नहीं होगी। जब मैं शुरुआत में वीडियो बनाया था, नहीं नहीं मुझे ज़्यादा जानकारी से रिलेटेड नहीं थी, तो मुझे बाहर के जो एजेंट लोग थे वो कहते थे कि पैसे से ही हो पाएगा, मुझे पैसे दो मैं इतनी जल्दी करवा दूंगा। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये 100% हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने YouTube माध्यम से 50 से 60 लोगों का किया है, तो मुझे पता है। आप अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वो वेरीफाई करके UIDAI वाले चेक करेंगे, सब कुछ अगर रियल निकला तो डेट ऑफ बर्थ जरूर वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में सारा कुछ है। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप अपडेट करा के मुझे आप भेज सकते हैं, मेल और पोस्ट में दोनों कर दूंगा। दोनों करने के बाद दोनों की मैं आपको प्रूफ, जैसे पोस्ट करते हैं उसकी रिसिप्ट कुछ इस तरीके की मिलती है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, और मेल करूंगा उसकी जो भी प्रोसेस होगा वो भी स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा, और उसका जो भी ट्रैकिंग रहेगा और जो भी अपडेट रहेगा, मैं अपडेट टू अपडेट देखता रहूंगा और हर एक अपडेट आपको देता रहूंगा, जिससे क्या होगा, देखिए आप भी मेल कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये रोज का काम है, तो मुझे क्या चीज़ें कहाँ पे रिक्वायर्ड हैं और कौन सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो सारा कुछ मैं अपने स्तर से कर लूँगा। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करता मैं, आप लोगों की हेल्प तो कर ही रहा हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ, इसी वजह से ये वीडियो बना दिया, क्योंकि मेल और पोस्ट करना ये बहुत आसान काम है उन लोगों के लिए जिनको पता है। अब मान लीजिए आपको पोस्ट ऑफिस के जा करके पोस्ट ऑफिस से कैसे कुरियर करना, कैसे स्पीडों को पोस्ट करना है, काफ़ी सारे चीज़ों का मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ बस आप मुझे भेजिए और आप आराम से बैठिए, मैं सारा कुछ आपका ईमानदारी के साथ करके दूंगा। और अगर आपका डॉक्यूमेंट्स रियल हुआ और कोई चीज़ मिसमैच नहीं हुई, जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट और बहुत से ऐसे वर्ड मिसमैच हो जाते हैं, ये सारा कुछ अगर आपने क्लियर दिया, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आपका डेट ऑफ बर्थ रियल तरीके से सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो रखा है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं।
तो इसी वजह से ये वीडियो बनाए हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, और अगर पैन कार्ड में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नाम, डेट ऑफ बर्थ, हस्बैंड नेम कुछ भी अगर इधर उधर है तो आप मुझे आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटो और जो जो रिक्वायर्ड है मैं आपको बता दूंगा वो भेज दीजिएगा, और 10 से 15 दिन के अंदर आपके घर पे एड्रेस के माध्यम से और पोस्ट ऑफिस से आपके पास पैन कार्ड अच्छे से आ जाएगा। और मैं आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भी पैन कार्ड का एक PDF सेंड कर दूंगा, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो ऐसे ऐसे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इधर उधर ना दौड़िएगा, यहाँ क्या है आप सिर्फ ऑनलाइन सारी चीज़ें शेयर करिएगा बस, ना किसी शॉप पे जाना है, ना कहीं आपको टाइम निकालना है, बस घर बैठे आप शेयर करिए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपकी 100% यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। और किसी बच्चे का आधार कार्ड अगर बनवाना है नया तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, तो अगर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बनवा के भेज दूंगा। आप कहीं भी जाकर के आधार कार्ड बच्चे का बनवा सकते हैं, न्यू इनरोलमेंट करवा सकते हैं। और किसी का बड़े उम्र में पहली बार डेट ऑफ बर्थ सही होना है, किसी भी एज में है, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें से संपर्क कर सकते हैं, मैं वो भी आपको ओरिजिनल एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के दे दूंगा, जिससे आप अपने आधार में करेक्शन डेट ऑफ बर्थ का कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम में आपको HDM ऑर्डर डिजिटल देना पड़ेगा अगर आप UP में हैं, अदरवाइज और कहीं हैं तो आपका फर्स्ट टाइम में वही सारा कुछ प्रोसेस है जैसा कि पहले था। तो ये दोनों चीज़ें आपको बता दिए, अगर कभी भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ पे आपको 100% रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, 1% भी कोई फेक चीज़ें नहीं होंगी, आपका हमेशा हेल्प होगा मेरी तरफ से। तो ये छोटा सा वीडियो इसी वजह से बनाए हैं ताकि आप लोग मेल और पोस्ट से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, मुझसे पूछा करते हैं कि पोस्ट कैसे करें, आधार अपडेट कराते हैं, कहीं भी इन सेंटरों पे जाके करवाइएगा, आपको रतन स्क्वायर बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं, और मुझे डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिएगा, मैं सारा कुछ कर दूंगा। और आपको ये तो पता ही है, अगर रीजनल ऑफिस आएंगे वहाँ बताया जाएगा कि पोस्ट करके आओ, मेल करके आओ, फिजिकल वो लोग नहीं लेते। तो हम आपको बता दें, जैसे आपने मान लीजिए इन कहीं भी इतने सेंटर में कहीं भी आपने अपडेट करा लिया, और अपडेट कराने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजोगे जब, तो मैं मेल और पोस्ट कर दूंगा, और मेल और पोस्ट करने के बाद उसको हम लोग ट्रैक करते रहेंगे, और अगर वो ठीक प्रोसेस से हुआ तो 100% यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी कारण रह जा रहा है, मान लीजिए हम भी नहीं जान पा रहे हैं किस कारण ये पेंडिंग में पड़ा है और आप भी नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं करना, हम लोगों ने मेल और पोस्ट तो कर ही दिया है, सीधे रीजनल ऑफिस विजिट करिए जिसका है उसके साथ में, और फिर वो सिस्टम से चेक कर लेंगे क्या चीज़ें रह गई, वो आपको बता देंगे इन चीज़ों में सुधार करिए, अगर कुछ उनके स्तर से गड़बड़ होगा तो सिस्टम से अपडेट करके आपको दे देंगे। यही एक तरीका है, ये एक रियल तरीका है जो पूरे UP में हो रहा है। बाकी आप इधर उधर कोई दिमाग ना लगाइए, ना ही किसी को 4 पैसे ऑनलाइन पेड करिए, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए बस आप लोगों को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और काफ़ी सारे चक्कर तहसील या ब्लॉक के करने पड़ेंगे, बाकी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम नहीं मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, मैं एवरी डे ये काम करता हूँ बहुत से लोगों का, तो आप लोगों का भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें आप सब अपना।